हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे गाइज एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है। गाइज ये एम आई का फ़ोन है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल ही डेड कंडीशन में गाइज हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज का ये वीडियो कंप्लीट देखे, आज के इस वीडियो के अंदर इसको गाइज हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, देखेंगे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। जो फ़ोन है वो ऑन क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। कस्टमर का कहना है गाइज ये फ़ोन गिरने के वजह से ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे पास जब कोई फ़ोन आता है रिपेयर के लिए कोशिश यही करता हूँ पहले कस्टमर से एक बार कंफर्म कर लूं प्रॉब्लम आया किस तरीके से है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपको जो है वो देखने से मिल जाएगा, या फिर आपको जो है थोड़ा आइडिया जो है वो मिल सकता है कि हाँ गिरा है तो कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत होगी और इसीलिए फोन हमारा बंद हुआ है, ठीक है। तो खैर चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से इनकी बैटरी चार्ज कितनी है उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखो बैटरी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो 3.7 वोल्टेज बैटरी चार्ज है, चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी कंप्लीटली चार्ज है। इतने में सेट आपका जो है वो ऑन होना चाहिए, देखो 3.7 वोल्टेज, ठीक है। सेट यहाँ से नॉर्मली है। अभी हम एक बार इसको शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायोड मोड के ऊपर मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं सेट करता हूँ और ये रिवर्स वाइज में चेक करता हूँ। तो ये अभी जो है वो देखो, ये रिवर्स वाइज में चेक करो तो अभी यहाँ से देखो कितनी रीडिंग दिखा रही है। सॉरी, यहाँ से कुछ दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा है, मैं एक बार इनको देख लेता हूँ। कई बार ये जो है ना वो प्रॉब्लम होता है जो मल्टीमीटर का वायर है हमारा। तो देखो ये अभी रिवर्स वाइज में ग्राउंड है, अब ये सॉरी यहाँ पे ये रिवर्स वाइज है, उस टाइम मैंने नेगेटिव में सटाया था, ये अभी रिवर्स वाइज है। अभी फिर से एक बार अगर फॉरवर्ड वाइज में यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो फॉरवर्ड वाइज में 1900 के समथिंग रीडिंग है, मतलब इसमें ठीक है, इतने में सेट आपका चलता है गाइस इस डिवाइस में, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो हमारी ओके आ रही है, फिर भी ये जो है वो सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार इसी कंडीशन पे फ़ोन को हम लगा देते हैं और लगाने के बाद एक बार इसको यूएसबी चार्जर के ऊपर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या शो होता है। देखो यूएसबी चार्जर है हमारे पास यहाँ पे और ये जो केबल है डेटा केबल वो इसके अंदर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने इंसर्ट करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.6 मिली एम्पियर यहाँ पे शो रहा है ऑटो, और इनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये व्हाइट लाइट जल रही है, ना कि ये व्हाइट लाइट ब्लिंक हो रही है। कई बार क्या होता है ये अगर बैटरी इनकी डाउन होती है तो व्हाइट लाइट ब्लिंक करता है। अभी आप देखो कि यहाँ पे जो है वो 0.6 मिली एम्पियर लिया हुआ है और ये जो है वो चार्जिंग पकड़ रहा है, बाकी यहाँ पे व्हाइट लाइट हमारी जो है वो कंटिन्यू स्टॉप है, ठीक है। तो खैर चलो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अभी एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं अपने डीसी मशीन के ऊपर कि वहाँ पे क्या अब देखने को मिलता है। तो डीसी मशीन के लिए ये जो बूट केबल है यहाँ पे है, ठीक है, और इस तरीके से ये केबल में ना सही से लगता नहीं है। तो ये जो चार्जिंग वाला फ्लैक्स है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, बैटरी को भी यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से मैं सीधे इसको लगा देता हूँ। देखो फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, कोई भी कंज्यूम जो है वो कोई भी चीज़ें नहीं कर रही है। मैं एक बार आपको यहाँ पे भी दिखा ही देता हूँ। देखो गाइस कोई भी कंज्यूम कुछ भी रीडिंग ऑटो कंज्यूम नहीं हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। एक बार मैं फिर से आपके सामने इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो आप यहाँ से मैंने कर दिया, अब एक बार मैं यहाँ से इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ। देखो मैंने पावर की को प्रेस करा तो यहाँ पे रीडिंग देख सकते हो 33 और उसके बाद लास्ट जो है वो 69-68 जो वो रीडिंग जा रही है। और जैसे मैंने इनकी पावर की को रिलीज़ करा तो ये अब 00 हो गया। फिर से मैं इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ, फिर से रीडिंग देखिए कितनी जा रही है ये, और ये आप देख सकते हो कितनी रीडिंग जा रही है, देख सकते हो 33-64 रीडिंग, 66-68 तक रीडिंग जा रही है। उसके बाद जैसा मैं रिलीज़ करता हूँ 00 हो जाता है, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग भी नहीं है और इस तरीके की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और गाइस ज़्यादातर जो इस कंडीशन में भी मैंने देखा है, जैसा कि ये मीडिया टेक का जो इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, तो इसके अंदर ज़्यादातर जो गाइस मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से इस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी मैं पहले स्क्रू ओपन कर लेता हूँ, बैक साइड की कंडीशन वगैरह भी देख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ओपन करने में, ये है जो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, इसको बाहर करके एक बार जो है बैक साइड भी चेक कर लेते हैं कि किसी ने कोई काम वगैरह किया है या नहीं। वैसे लग नहीं रहा है, यहाँ पे देखो पूरा मदरबोर्ड का केम तो निकला हुआ, बट बोर्ड जो है वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो खैर चलो अभी हम कैमरा वगैरह पहले बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद ना एक बार जो है इनके जो ये जो लाइन है हमारा पावर सेक्शन वगैरह इन सभी लाइन के ऊपर एक बार हम इसको चेक करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। तो इसको मैं एक बार बीप मोड के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ कि बीप मोड में आपको यहाँ पे साउंड भी सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ से भी जो है वो कन्फर्म हो जाता है। तो मैं इस तरीके से बीप मोड पर मैंने मल्टीमीटर को जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है और इसी कंडीशन पे मैं थोड़ा सा जूम आउट और यहाँ से आउट कर लेता हूँ और हम स्टेप बाय स्टेप पावर सेक्शन की कुछ कैप वगैरह को भी चेक करेंगे इस साइड में, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक साइड हमारा बीप आ रहा है, इस साइड में भी कुछ नहीं है, एक साइड हमारा ये ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, इधर भी ओके, एक साइड हमारा ग्राउंड आ रहा है, इधर चेक कर लेते हैं, इधर भी ओके है और एक साइड हमारा ग्राउंड आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं,
देखो गाइज ये भी लाइन जो है वो हमारी ओके है। देखो गाइज यहाँ पे ये लाइन देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन जो हमारी बी पा रही है, और इस साइड अगर चेक कर लेते हैं तो गाइज ये भी लाइन हमारी बी पा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो कैप दिख रहा है आपको, ये एक साइड में बी पा रहा है और दूसरे साइड में चेक कर लेता हूँ तो इधर भी बी आ रहा है, मतलब ये कैप दोनों साइड से शॉर्टिंग दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखो दोनों साइड से शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है ये जो लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है गाइस, ये जो है लाइन शॉर्ट है, ठीक है। और ये लाइन मुझे ऐसा लगता है ये वी आई ओ का लाइन है, वी आई ओ 1.8 की लाइन होती है गाइस ये वाली, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक फ़ोन बनाया था तो मुझे मालूम है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना वो बहुत जगह जाती है, ठीक है। देखो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, आप यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी हमारे ग्राफिक सेक्शन के लिए काम करता है, वी आई ओ वोल्टेज जो होता है 1.8 की लाइन। तो इस पे अगर हम मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी देखो ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ये भी जो है वो शॉर्ट दोनों साइड से दिखा रहा है, जो कि गाइज यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए था दोनों साइड से, क्योंकि ये वोल्टेज वाली लाइन है, यहाँ पे 1.8 लाइन जनरेट होता है ग्राफिक सेक्शन के लिए, और ये लाइन काफ़ी जगह जाता है हमारे ईएमएमसी में, सीपीयू में, अदरवाइज और भी जगह जगह पे ये जो सप्लाइया है 1.8 की वी आई ओ वोल्टेज बहुत जगह जाता है, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है इसको कन्फर्म करने के लिए सीधे हम अपने चलेंगे अपने बॉर्न स्मैटिक के अंदर, उसके अंदर इसको चेक करेंगे। तो गाइज अभी हम सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने बॉर्न ऑस्मैटिक को कर दिया है ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बॉर्न ऑस्मैटिक को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम सीधे पहले जो है वो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे, और यहाँ पे और इस यहाँ पे सीधे रेडमी 6 का जो मॉडल है उसको हम निकालते हैं। यहाँ पे ये Xiaomi मॉडल है, और उसके बाद यहाँ पे सीधे रेडमी 6 जो मॉडल है, 6 या 6 है दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे ये रेडमी 6 है तो चलो रेडमी 6 ही ले लेते हैं। और यहाँ से LCD का जो लाइन है, ये LCD PDF, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है वो डिसकनेक्ट है, तो इसके लिए वो काम नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं अपना वाईफाई जो है वो यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रहा है, बिना नेट का ये चलता नहीं है जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारा जो ये वाईफाई है इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने LCD का सिर्फ सेक्शन को अभी ओपन करा है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार जो है कहाँ गया इसका LCD को हम क्लिक करते हैं, LCD PDF को, ये है LCD PDF, तो ये यहाँ से फेल हो चुका है, तो अभी ये ओपन नहीं होगा। एक बार लाइट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, फिर से LCD सेक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये ओपन होगा, ये हो चुका है गाइज, अभी ये लाइट सेक्शन ओपन हुआ है, ठीक है। हमको मेन करना है LCD सेक्शन ओपन, तो मैंने यहाँ से LCD सेक्शन को ओपन किया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पहले ये ओपन हो जाए कम्प्लीटली। देखो ये मदरबोर्ड यहाँ से ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ओपन हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद जो है सीधे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर हम चलेंगे। यहाँ पे देखो गाइस ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, शायद आपको ये साफ नहीं दिख पा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये है गाइज, ये रजिस्टर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे ये लाइन है हमारी, ये आप देख सकते हो PMU लाइन है, और जो कि 1.8 की लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है। और ये लाइन सीधे कहाँ जा रही है उसको अगर हम यहाँ पे चेक ट्रेस करते हैं, तो ये लाइन देखो गाइज यहाँ सीधे पावर IC से इस पॉल के थ्रू और यहाँ पे इस कैप के थ्रू आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो लाइन है वो पावर IC से आउट हो रही है हमारे डिस्प्ले सेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें इतना ही पता मुझे चल पा रहा है, ठीक है। अभी हम गाइज बीट मैप को ओपन करेंगे, ठीक है। तो बीट मैप को ओपन करने के लिए फिर से हम चलेंगे बीट मैप के ऊपर, तो यहाँ पे हम इसको पूरा क्लोज करते हैं और सीधे इसका जो बीट मैप है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेन बोर्ड पे चलते हैं, Xiaomi पे चलते हैं, और सीधे Redmi 6 का जो ये फोन है, फिर से Redmi 6 को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये Redmi 6 है, इसको यहाँ पे बीट मैप पे मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से ही हमारा जो बीट मैप है वो ओपन हो रहा है। चलो तो ये बीट मैप को हम ओपन होने देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये ओपन हो चुका है। फिर से इसके हम जो वो डिस्प्ले सेक्शन के ऊपर चलते हैं, ये जूम आउट है, ये है जूम इन, ठीक है। ये हम चलते हैं यहाँ पे, देखो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। ये रजिस्टर लगा हुआ है, इस पॉइंट पर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये सीधे डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है, और जैसे मैं इस साइड पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब ये चीज़ देख सकते हो कि लाइन बहुत जगह जा रही है। आप देखो यहाँ पे ये लाइन हमारा जो है वो एक यहाँ पे जो चार्जिंग ये लगा हुआ है, मतलब बैटरी कनेक्टर, मेन जो बोर्ड कनेक्टर होता है, बैटरी टू बैटरी कनेक्टर नहीं होता, जो सब बोर्ड होता है, सब बोर्ड का ये कनेक्टर है, ठीक है। और अदरवाइज देखो हर जगह ये लाइन जा रही है, आप देखो ये VIO वोल्टेज लाइन है जो कि CPU में जा रही है, पावर में जा रही है, EMMC में जा रही है, हर जगह ये लाइन जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है गाइस।
ये आप यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये लाइट ब्लिंकिंग हो रही है, ठीक है, और ये हर जगह ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज फाइंड करना ये प्रॉब्लम है कि इसकी पावर ऐसी गई है या फिर सीपीयू गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको 2 वोल्टेज 5 एम्पीयर देंगे और इसकी शॉर्टिंग को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बारी मैं पहले रोजिन पेस्ट को अप्लाई करता हूँ और इसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करने, पहले मैं फटाफट पूरा रोजिन पेस्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस साइड में, इस साइड में, और यहाँ पे अपना जो डीसी मशीन से 2 वोल्टेज 5 एम्पीयर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1.8 की लाइन है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, ठीक है। तो खैर चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो गाइज मैंने अपने डीसी मशीन पे जो सेट कर दिया है 2 वोल्टेज 5 एम्पीयर, अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ इस पॉइंट को, और ये जो पॉइंट है गाइज इसको मैं अभी टच करूँगा, ठीक है। अभी हम इसको टच करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी शॉर्टिंग है, क्या देखने को मिलता है वो अभी यहाँ से गाइज इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से ग्राउंड मैंने कर दिया है, इसको मैं चिमटे की मदद से कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और यहाँ पे इस वाले कैप के ऊपर मैं टच करता हूँ, जो कैप मुझे शॉर्ट दिखा रहा था ये वाला, देखो गाइज मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है, ठीक है। टच करने के बाद गाइज यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हो रही है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बैक साइड चलता हूँ, बैक साइड में भी देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हो पा रही है, कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है, ये आप देख सकते हो, कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है, कहीं पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, एक बार जो है वो हम फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे टच करते हैं आप एक बार, देखो यहाँ पे मैंने टच करा एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ टच, ये रजिस्टर पे मैंने टच किया हुआ है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ये रजिस्टर पे मैंने टच किया, और बैक साइड फिर से देखता हूँ तो गाइज यहाँ पे अभी भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो मेल्ट हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो नहीं दिख पा रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ है, वो कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो एक बार मैं फिर से शॉर्टिंग को चेक कर लेता हूँ, पहले अभी भी शॉर्टिंग है या चली गई, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो गाइज मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अभी शॉर्टिंग यहाँ से निकल गई है, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा यहाँ पे मल्टीमीटर, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम आउट करता हूँ, इसको मैं जो है वो डायोड मोड के ऊपर सेट करता हूँ और एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग है या चली गई है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो गाइस अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी ये शायद यहाँ से ये हिल चुका है, कई बार पॉइंट हिल जाते हैं मेरा, यहाँ से डिजिटल मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो प्रॉप कई बार हिल जाता है, तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ यहाँ से क्या हिल गया, ठीक है। अभी ये ओके है, चलो एक बारी फिर से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं, देखो गाइस अभी भी शॉर्ट है, यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रही है, कुछ जो है वो रीडिंग के साथ शो हो रही है, देखो अभी भी शो हो रही है। एक बार मैं फिर से ग्राउंड चेक कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे बीप मोड पे, तो देखो अभी भी शॉर्ट है यहाँ पे, ठीक है गाइस शॉर्टिंग यहाँ पे है, देखो शॉर्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाइस समथिंग आपको डायोड वैल्यू के ऊपर कम से कम यहाँ पे जो है वो जो है 500 के समथिंग कुछ रीडिंग आनी चाहिए, 500-550 के समथिंग कुछ रीडिंग आनी चाहिए थी, रीडिंग कम आ रही है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से वोल्टेज हम जनरेट करते हैं, देते हैं एक बार फिर से वोल्टेज, देखते हैं क्या होता है, ठीक है गाइस। तो अभी एक बार हम फिर से इसको चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हुआ, शॉर्टिंग अभी भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो सीपीयू है उसमें ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ से मैंने जो अपना वोल्टेज है वो पूरा प्रॉपरली सेट किया हुआ है, बट फिर भी कोई चीज़ मेल्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे जो रीडिंग है वो कंज्यूम हो रहा है हमारा और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस साइड में देखूँ तो यहाँ पे भी जो चार्जिंग आईसी वो भी हिट नहीं हो रही है, देखो इधर मैं भी अगर टच करता हूँ तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो मेल्ट नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी 1.8 लाइन आती है, तो ठीक है चलो कोई नहीं। मेरे हिसाब से गाइस इसकी जो सीपीयू है ना वो आप देख सकते हो हल्की हल्की यहाँ से मेल्ट हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा टच करके यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ क्या हीट हो रहा है, ठीक है। देखो गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके हूँ तो इसकी जो सीपीयू है ना वो गाइस यहाँ पे हीट हो रही है,
मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये सीपीयू जो है ना वो हीट हो रही है। तो ज़्यादातर जो गाइस इस कंडीशन में सीपीयू ही की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब एक बार फिर से इसकी सॉर्टिंग को देखते हैं। ये सीपीयू का ही पंगा है, इसके अंदर यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है वो साफ क्लियर हो रहा है कि ये सीपीयू जो है ना वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, धीरे धीरे हीटिंग भी हो रही है। तो एक बार फिर से हम इनकी रीडिंग को पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि रीडिंग यहाँ पे अभी भी वैसे ही है। देखो अभी भी बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है, आपको यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आप देखो, मैं फिर से चेक करता हूँ तो रीडिंग गाइस बिल्कुल ही वैसे ही है, ठीक है। तो चलो अभी हम सीधे इसकी सीपीयू को बाहर निकालते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, सीधे चलते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। सिंपली गाइस देखो यहाँ पे मैंने जो इसकी सीपीयू को निकाल दिया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा मैंने क्लीन भी कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो लाइन हमारी शॉर्ट आ रही थी वो गाइस यहाँ से अभी ओपन हो चुकी है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारा कैप था, ये साइड वाला। मैं इस साइड पर अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो अभी आप जो है वो रीडिंग देखेंगे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो अभी यहाँ पे ये बार और वायर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो देखो गाइस यहाँ पे कितनी रीडिंग आ चुकी है हमारी, 600 के समथिंग कुछ रीडिंग आ गई थी। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, अभी आप यहाँ पे देखिए 650 के समथिंग कुछ रीडिंग हमारी शो हो रही है, ठीक है। ये लाइन हमारा शॉर्ट था। अब हम बैक साइड के अगर रजिस्टर पर भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये रजिस्टर पर भी हमारा जो वो शॉर्टिंग दिखने को मिल रहा था ये रजिस्टर पर, तो इस रजिस्टर पर मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बार बार हिल जा रहा है, शायद आपको अभी साफ दिखे, ठीक है। देखो इस रजिस्टर पे अगर मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 300 कुछ रीडिंग देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे देखो यहाँ से मतलब शॉर्टिंग जो वो निकल गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डायोड मोड के ऊपर रीडिंग मैं चेक कर रहा हूँ, और अगर इस तरीके से इस साइड में भी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ से मैंने ग्राउंड कर दिया है और इस वाले कैप को मैं अगर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी 300 कुछ रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से उस टाइम में कुछ अलग इस वाले कैप पे टच हो रहा होगा इसलिए कुछ रीडिंग दिखा रही थी, बट अभी आप यहाँ पे रीडिंग देखो 300 कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब रीडिंग हमारी नॉर्मल हो चुकी है। ये हमारा जो सीपीयू है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो सीधे हम सीपीयू चेंज करेंगे विदाउट ईएमएमसी, ईएमएमसी चेंज नहीं करेंगे, सिंपली सीपीयू को चेंज करेंगे। उसके साथ एक रजिस्टर भी निकालना होता है, वो भी निकाल के हम दिखाएंगे, सेट को कंप्लीट ऑन करके गाइस देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं होता क्या है, ठीक है। चलो एक बार हम करके वो भी देख लेते हैं। तो पहले मैं सीपीयू को चेंज करता हूँ, ये सीपीयू पुराना है, अभी हमको दूसरे सीपीयू इसके ऊपर लगा के बैठा के देख लेते हैं क्या होता है। गाइज यहाँ पे जो है मैंने इसका सीपीयू को यहाँ पे चेंज कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इसकी ये पुरानी वाली सीपीयू है, वैसे भी मैंने भी ये जो सीपीयू इसमें मैंने लगाया है
वो भी किसी और सेट का ही लगाया है, क्योंकि मैंने नया लिया नहीं था, वो एक सेट था पड़ा हुआ, उसी में का ये सीपीयू मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सीपीयू शॉर्ट था और ये सीपीयू मैंने अभी दूसरा इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारा VIO लाइन जो शॉर्ट आ रहा था वो यहाँ पे अभी ओके हुआ या नहीं हुआ, तो उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे नॉर्मल रीडिंग के साथ, देखो यहाँ पे 300 के समथिंग कुछ रीडिंग शो हो रहा है, तो ये रीडिंग ओके है, ठीक है। जस्ट गाइस इसको हम बैक करते हैं और इस रजिस्टर पे भी चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर पे रीडिंग कितना शो होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी 300 के समथिंग कुछ रीडिंग देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, रीडिंग में थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 300 कुछ यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रहा है, और अभी हम यहाँ पे सेट को करके देखेंगे ऑन करके कि ये सेट चालू होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ और इसको चालू करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनका कनेक्टर को यहाँ पे चेंज कर दिया, साफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसको एक बार देखते हैं ऑन करके क्या होता है, ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फाइंड हो चुकी थी और प्रॉब्लम भी आपने देखा क्या था इसका। तो अभी एक बार बैटरी वगैरह लगाते हैं और सेट को यहाँ से हम करके देखते हैं ऑन, ठीक है। तो चलो इसी कंडीशन में मैं यहाँ पे सेट को करता हूँ ऑन। देखो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कि सेट हमारा हो चुका है चालू। अभी आप देखो यहाँ पे सेट हमारा चालू हो चुका है, बट गाइज ये जो फ़ोन है ना वो रिकवरी मोड में जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिकवरी मोड में जा रहा है, बैटरी इसकी डाउन है। नहीं तो गाइज मेरे हिसाब से इसका मैंने सीपीयू चेंज किया है, तो एनवी डाटा जो करप्ट का प्रॉब्लम होता है वो इसके अंदर आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सीपीयू को चेंज किया है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको अपने एक बार डीसी मशीन के थ्रू ऑन करके देखेंगे, क्योंकि बैटरी इसकी डाउन है तो इस कंडीशन में ये जो है वो चार्ज होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे ऑन होगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम एक बार डीसी मशीन के साथ अगर ऑन करेंगे तो ये कंप्लीटली ऑन हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा वो भी हम इसके ऊपर देख पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार ही हम इसको डीसी मशीन के थ्रू ऑन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए बूट केबल इनका जो है वो मैं निकाल देता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये बूट केबल इनका मिल चुका है और अब हम एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं इसी कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं और लगाने के बाद यहाँ पे मैं इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ और देखो गाइज यहाँ पे जो सेट है हमारा वो यहाँ पे चालू हुआ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे MI लोगो आ चुका है फाइनली। चलो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं क्योंकि बैटरी इसकी डाउन थी। अभी देखो गाइस यहाँ पे सेट तो ऑन हो गया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, NV डाटा करप्ट की प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो नीचे में यहाँ पे देखो NV डाटा करप्ट की प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे ये फ़ोन रिकवरी में जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस एक बार जो है इसका एक बार रजिस्टर को देख लेते हैं कि इसका रजिस्टर इस पर है या नहीं है, क्योंकि गाइस इसकी जब EMMC चेंज होती है तो कई इसके ऊपर एक ID रजिस्टर्ड होता है जो कि यहाँ पे होता है लगा हुआ। तो यहाँ पे ID रजिस्टर्ड है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर एक ID रजिस्टर्ड होता है, जब आप डुअल आई में नंबर रिपेयर करते हो तो उस कंडीशन में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ये एक रजिस्टर्ड, इसके जस्ट ये बगल वाला जो रजिस्टर्ड है ना वो रजिस्टर्ड आपको निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रजिस्टर्ड है, ये वाला रजिस्टर्ड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ इसको इस तरीके से सिंपली यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब तोड़ देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से देखो ये रजिस्टर मैंने इसके ऊपर से निकाल दिया और मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन, देख सकते हो रजिस्टर मैंने कौन सा निकाला है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर से चेक करेंगे कि अब क्या दिक्कत इसके अंदर आता है, जो NV डाटा करप्ट की प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी ठीक होता है या नहीं होता है। तो फिर से सब कुछ यहाँ पे लगा देते हैं और एक बार फिर से इसको जो है हम ऑन करके देखते हैं अपने DC मशीन के थ्रू, क्योंकि बैटरी इनकी डाउन है और ये जो है ना निकालना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये लगता नहीं है ठीक से, जो बूट केबल है ना ये रहता है तो नहीं लगता है। चलो एक बार फिर से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको ऑन करके। तो फिर से गाइज मैंने यहाँ पर इसको ऑन करा और यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है अभी ये, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, देखो फिर से ये आया। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक बार ही फ़ोन को रिबूट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़ोन को एक बार कर दिया है रिबूट, यहाँ पे मैंने फ़ोन को रिबूट किया है, अभी हम फिर से देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, अब देखते हैं कि यहाँ पे सेट हमारा कम्प्लीटली चालू हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर से ये रिकवरी मोड में जाता है। तो चलो फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे में जो पावर बाय एंड्रॉयड की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे चलने स्टार्ट हो गई है और फिर से ये फ़ोन देखो अभी रिकवरी मोड में चला जाएगा मेरे हिसाब से। ये देखो आप रिकवरी मोड में गया, यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से आ रहा है, फिर से NV डाटा करप्ट की ऑप्शन प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको वाई फॉर्मेट कर देना है। एक बार आपको मैं करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है।
यहाँ से मैंने वाइट फॉर्मेट कर दिया है, जो भी है गाइज बिल्कुल साफ है आपके सामने ही है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार करके गाइज, अगर अभी भी अगर ये सेम प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कर दोगे तो भी प्रॉब्लम, वैसे ये आईडी रजिस्टर जो मैंने निकाला है उससे प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए थी, खैर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। अभी एक बार हम फिर से देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। मैंने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया, फिर से नीचे में प्रोसेसिंग चल रही है, फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और हमारा जो फ़ोन है वो फ़िलहाल अभी प्रोसेसिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसिंग चली जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग अभी भी यहाँ पे चले जा रही है, ठीक है। तो गाइज अब जो है फिर से ये फ़ोन जो है देख सकते हो फिर से रिकवरी मोड में जा चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर से रिकवरी मोड में जा चुका है। तो अभी क्या करना है गाइज, इसका इसका जो सिक्योरिटी बैकअप है सबसे पहले आपको UMT डोंगल के थ्रू ले लेना है, ठीक है। UMT डोंगल के थ्रू ले लेना है और जिस तरीके से ये जो डबल IMEI नंबर हम लोग रिपेयर करते हैं, ठीक है, उस तरीके से इसको करना है। अगर आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप हमें बताइए, मैं आपको इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा और इनकी ये जो प्रॉब्लम है वो भी मैं फिक्स करके आपको दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारा पार्ट वन वीडियो था और इसको हम पार्ट सेकेंड में लेके जाएंगे, एनवी डाटा करप्ट और CPU चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारी इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो खैर चलो यहाँ से हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं।